साथी विधायक जो जो लोग हमारे एसएसटी वेलफेयर कमेटी के मेंबर बने हैं उनको उनके साथ सर्टिफिकेट दे के फ़ोटो खिंचाएंगे। लेकिन हमारे साथी अजय दत्त जो हमारे सम्मानित विधायक हैं वो दो मिनट का समय चाहते हैं, वो कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने शब्दों में। मैं निवेदन करूँगा वहीं वो अपने संदेश दें। साथियों सभी को जय भीम। सभी अंबेडकर वादियों को एक साथ जय भीम। और आज का कार्यक्रम देखकर हमारे मंत्री भाई गौतम जी के विचार सुनकर और इस मंच पे जो भव्य कार्यक्रम बाबा साहब का जय घोष सुनकर बहुत मन में एक उत्साह था, क्योंकि मैं बाबा साहब को बचपन से ही फॉलो कर रहा हूँ और मेरे अंदर कुछ विचार थे जो मैं चाहता था कि इस मंच पे रखूं, क्योंकि आज सारे ही मेरे परिवार के लोग बैठे हैं और ये एक ऐसा मौका है कि अपनी बात कह दूं। साथियों बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो हम सब जानते हैं। बाबा साहब ने हमें कहां थे और कहां पर बिठा दिए हम सब जानते हैं। और आज जब हम समाज में निकलते हैं, आप सभी साथी समाज में निकलते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं हमसे भेदभाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है या नहीं है? तो संघर्ष बाबा साहब ने शुरू किया था, एक लेवल से उठा के उस लेवल पे बिठा दिया। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम बाबा साहब के उस सपने को पूरा करें, और उसको करने के लिए दो बातें जो मुझे लगती हैं वो करनी पड़ेंगी। हमारे समाज में सबसे पहले तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और मैंने बहुत सारे ऐसे अधिकारी देखे, मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन देखे, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति देखे जिन्होंने आज भी अपने आप को छुपा रखा है। आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर रहता है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि ये दलित है, उन्हें पता चल जाए कि ये इस जाति से आता है, तो उसका कोई नुकसान हो जाएगा। साथियों तो मैं इस मंच से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, ये विश्वास देना चाहता हूँ, बाबा साहब की वाणी का विश्वास देना चाहता हूँ कि जिस दिन आपको ये लगने लगे कि बाबा साहब मेरे साथ हैं और मैं बाबा साहब के अनुयायी होते हुए परिपूर्ण हूं, और अपने आप सबके सामने जाके कहे मैं दलित हूं और अंबेडकरवादी हूं और अंबेडकरवादी रहूंगा, और कुछ लोग पहले आपको नकारेंगे, ये संसार का नियम है, फिर उसके बाद आपके ऊपर हंसेंगे, ये संसार का नियम है, और उसके बाद आपकी अच्छाइयों को पहचानेंगे, ये भी संसार का नियम है, और उसके बाद आपको ऊंचा उठाएंगे, ये भी संसार का नियम है। ये बाबा साहब ने भी दिखाया और बहुत सारे हमारे जैसे लोगों ने भी दिखाया। तो साथियों अपने अंदर ये भी विश्वास रखें और दूसरे को भी विश्वास दे कि हम अंबेडकरवादी हैं। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो गौतम जी ने भी कही और मुझे हर मंच से सुनने को मिलती है कि पहले हम दलित हैं, पहले हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और कहीं ना कहीं बीच बीच में हमें हम किसी ना किसी कास्ट किसी ना किसी जाति से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है जातियों को छोड़ दें और बाबा साहब को पकड़ लें और संघर्ष करें। संघर्ष जरूरी है, वो कंपटीशन जरूरी है, लेकिन जो जीत जाए वो हमारा नेता है, जो आगे बढ़े हम उसको फॉलो करें, जो आगे काम करे हम उसकी नीतियों को आगे बढ़ाएं, उसके बाद संघर्ष नहीं। संघर्ष करें उन लोगों से जो हमें छोटा बनाना चाहते हैं, संघर्ष करें एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जिसने हमारी स्वतंत्रता को, जिसने हमारे संविधान को चूर चूर कर दिया, संघर्ष करें उन शक्तियों से जो बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और हमारे समाज को नीचा दिखा रही है। आपस में संघर्ष बंद करें, और जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, तो इकट्ठा होना है तो किसी जाति विशेष को ना देखो, सिर्फ ये देखो ये तो दलित मेरा भाई है,
ये दलित मेरा साथी है, ये दलित मेरा अंबेडकर वादी है, इसको मैं प्यार करूं और अपने से ज्यादा उसको दूं, क्योंकि इसके पास वो नहीं था जो मेरे पास है। अगर हम ये कर सके तो हम बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू करेंगे, उनका सपना भी पूरा करेंगे और इस देश में एक दिन भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और सारे स्टेट के मिनिस्टर दलित होंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा साहब के कार्यक्रम जन्म दिवस की शुभकामनाएं। जय भीम जय भारत।